हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम हेल्पर जी के। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए आता हूँ, पर मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं आया, मतलब मैं टॉपिक पढ़ाने नहीं आया। मैं आज आपको क्या कराने आया हूँ, मैथ्स का पेपर सॉल्व कराने आया हूँ, क्योंकि आपका EMRS का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, ठीक है ना। अब आप अपनी तैयारी को जांचिए। सबसे पहले तो ये वाला जो पेपर है, ये केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर पेपर है। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ, कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन आ भी रहे या नहीं आ रहे। तो 1 मार्च का पहला शिफ्ट है, जो अभी लेटेस्ट 2023 में पेपर हुआ था केंद्रीय विद्यालय का। अब मैं 15 दिन आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। रोज एक मॉक करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस देखना कितनी अच्छी हो जाती है। आप खुद बोलेंगे कि सर हाँ क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले कंप्यूटर की क्लासेस राहुल सर ले रहे हैं, आप जाकर के आप देखिए, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत बढ़िया। EMRS के लिए मैं मैथ्स की क्लास पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, नितेश कुमार मेघानी मेरा नाम है। भोकाल सीरीज हम लेकर के आए, परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, रेशो परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशो पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया, जा करके देखिए मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के मैं आगे चलता हूँ, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे पलटवार। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये वाला पेपर है 1 मार्च का, आप देख सकते हैं 1 मार्च जो शिफ्ट पहली थी उसका पेपर है ये वाला। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलूंगा, मैथ्स का सेक्शन मैं निकालता हूं और उसको अपन करते हैं सॉल्व। एग्जामिनेशन अप्रोच लेकर के आनी है, कौन सा एग्जामिनेशन अप्रोच है, क्या तरीका आप लगा सकते हैं, क्या नहीं लगाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, मैं सब आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। 625 से 25 बार, 25 बार चला गया, माइनस करेंगे अपन 14, सिंपल इसको खत्म किया अपन ने, 11 आ गया। प्लस मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60, 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 डिवाइडेड बाय 60 1 आ गया, खत्म। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 35 7, 7 × 7 49, 49 से गया 49, खत्म। आगे अपन सॉल्व करेंगे, अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आया, -5 आया। -5 माइनस से मिलेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और जब अपन प्लस के 5 को 1 से ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 17, ये हमारा आंसर खत्म। आप बोलोगे सर इतना तेज क्यों करवा रहे हो आज, अरे भाई साहब मैं एग्जाम में कैसे करता, वो वाला अप्रोच बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बिना किसी देरी के लिए आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम टाइम में करेंगे अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लंबाइयों 11 मीटर 34 सेंटीमीटर, 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन SCF एंड LCM का है, जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनको पता होगा ये वाला क्वेश्चन किस तरह किया जाता है, मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप इनको क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1134, 1513, 1215, ये टोटल सेंटीमीटर आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, SCF निकालना है इस क्वेश्चन में, SCF निकालना है, अधिकतम लंबाई जब भी पूछा जाएगा आपको SCF निकालना पड़ेगा। अब SCF में ये वाली जो संख्या है ना, बस इतना देख लो कि इनमें से कौन सी संख्या जो है बड़ी से बड़ी है और इससे विभाजित हो रही है तीनों से, बस खत्म आपका क्वेश्चन। क्या 35 इससे विभाजित होगा, आप बोलोगे सर 35 तो पहली बार इसी से ही डिवाइड नहीं होगा, तो 35 तो 25 तो गायब, 25 गायब हो गया, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 32, 32 क्या डिवाइड हो सकता है, सर 32 इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1215 है, 1215 से 32 डिवाइड नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। आप बोलोगे सर 45, 45 कभी 1134 को डिवाइड नहीं कर सकता, आप बोलोगे सर ये ऑप्शन भी हट गया, मुझे गलत ऑप्शन ढूंढना है ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी कर पाऊं, तो 27 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अगर इसका बेसिक करना है आप कर लेना, मैं एग्जाम में जिस अप्रोच से करूंगा मैं तो वो वाला मेथड बता रहा हूँ आज, बेसिक मैंने बहुत पढ़ाया है बच्चों, बहुत पढ़ाया है, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है किसका, JSE के पेपर का, पर मैं ये कराऊंगा नहीं। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना
तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहो तो कम से कम आपको 3 मिनट लगेंगे। आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे सॉल्यूशन इसका करवा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं किसी बात की। बट मैं अगर एग्जाम देने के लिए बैठा होता तो मैं इसको 100% स्किप करता हूँ। और प्लीज आप भी इस क्वेश्चन को स्किप करिए, अगर आपके पास टाइम है तब जाकर के करना, अदरवाइज इसको स्किप करना, वरना आपके 3 मिनट यही क्वेश्चन खा जाएगा और क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसको भी आता है वो टेलीग्राम पे चैनल पे इसका सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है ना, ग्रुप में, मैं उसका नाम जरूर लूंगा, और नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को स्किप करना है, यही समझदारी है आपके एग्जाम की। यहाँ पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ ना, तो वो भी बताऊंगा जो मैं भी स्किप करूंगा। आगे चलो, आगे नया क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नया क्वेश्चन हमारे पास 435 मल्टीप्लाई बाय 435 मल्टीप्लाई बाय 435 मल्टीप्लाई बाय 435। अब आप बोलोगे कि सर इसको है ना आप उस तरीके से सिंप्लीफिकेशन से तो कर नहीं सकते, तो इसमें कोई ना कोई तिगड़म लगेगी। अरे भाई कैलकुलेटर है क्या, 435 मल्टीप्लाई बाय 435 435 नहीं कर सकते, तो तिगड़म क्या लगेगी सोचो। देखो एक आइडेंटिटी होती है एलजेब्रा की। अब आप बोलोगे सर एलजेब्रा आ रहा है कि नहीं बेटा एलजेब्रा नहीं आ रहा, कुछ सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक होते हैं जिसमें कुछ आइडेंटिटी लगती है, वो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस अभी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जब अपन ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर इसको डिवाइड में लेकर के आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या देखो अगर मैं इसको यहां से हटा दिया तो क्या यही वाला बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या ये ए क्यूब दे रखा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल। क्या ये बी क्यूब दे रखा है, बिल्कुल। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बिल्कुल। माइनस ए बी, खत्म। इसका सॉल्यूशन जो होगा ए प्लस बी आ जाएगा। अगर ए प्लस बी करेंगे तो ए यहाँ पर कितना है 435, बी है यहाँ पर 335, खत्म 750 आंसर। उड़ाएंगे आज क्वेश्चनों को, आज कोई भी नहीं बोलेगा कि सर बेसिक से कराओ, ये कराओ वो कराओ, आज सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है ना। 30 मिनट में अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, कैसे भी करके। चलो नया क्वेश्चन आया अपने पास, यदि 8 अंकीय संख्या ये हैं जिसमें से मुझे 88 से इसको डिवाइड करना है तो बताइए 3x प्लस 2y अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम इसका मतलब जो x और y का मान आएगा उसको आपको अधिकतम रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं 88 को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 8 और 11, इसका मतलब अगर कोई संख्या 8 और 11 से, अगर ये वाली संख्या 8 और 11 से डिवाइड हो जाती है तो वो 88 से भी डिवाइड होगी। बस कर देते हैं सॉल्यूशन। बताओ 8 वाला डिविजिबिलिटी किसी रूल को पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है। आप बोलोगे सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 संख्याएं जो होती है वो डिवाइड करनी होती है अपने को 8 से। आप बोलोगे सही है सर, क्या एक रखूं डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा। दो रखूं डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर हो जाएगा। चेक करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। 3 रखोगे नहीं होगा, 4 रखोगे नहीं होगा, 5 रखोगे नहीं होगा, ठीक है ना, 6 रखोगे हो जाएगा। बस मैक्सिमम अपने को वैल्यू चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो आपने बोला सर धड़ाले से आपने वाई की वैल्यू बता दी 6। एग्जाम ओरिएंटेड है टोटल, ठीक है ना। कोई भी लॉन्ग सॉल्यूशन की उम्मीद ना करे, कोई भी ये नहीं समझे कि मैं डबल बार रिपीट करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ मॉक करा रहा हूँ। वाई बराबर 6 आएगा, y बराबर 6 आ गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी कैसे, 11 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है 6 को प्लस एक एक के एकांतर में आप ऐड करते जाओ, ठीक है ना। 6 प्लस 3 आ गया 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस y, y कितना आया 6, तो 24। अब माइनस करेंगे अपन इस वालों को जो छोड़ दिए ना अपन ने, x प्लस 4, 4 प्लस 5, 5 प्लस 8, टोटल आया अपने पास x प्लस 17, क्या सही बात है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब इन दोनों का अंतर जो है या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, 24 खुलेगा ना ब्रैकेट तो माइनस होएगा, माइनस 17। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस एक्स बराबर 0, 11, 22। अब एक मुझे बात बताओ बेटा, क्या मैं x की संख्या ऐसी क्या लूं जो 0 आ जाए। आप बोलोगे सर 7 ले लो, तो बस x की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। बस मेरे पास दोनों मान बताने थे, मुझे मेरे मान आ गए, x बराबर मेरे पास 11 आया, y बराबर मेरे पास 6 आया था। बस सॉल्यूशन में रख दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 21 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 12, टोटल हमारे पास आ गया 33। 33 से तीसरा ऑप्शन है, आंसर है। अच्छा तुम ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये वाला तो आंसर आ नहीं रहा, तो बच्चा ये वाला जो आंसर है ना ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
पहली बात तो समझना है इस बात को, ये आंसर नहीं है, वापिस बता रहा हूँ। आंसर गिवन का मतलब होता है जो बच्चा ये पेपर देने गया था वो वाला जो आंसर गिवन है, उसने जो आंसर दिया बस वो है। इसकी आंसर की अलग से आती है जो मेरे पास पड़ी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे आंसर की इसकी डाल दूंगा, ठीक है ना, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 33 आएगा, जो हम बता रहे हैं वही वाला सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे 106, 106, 106 क्वेश्चन नंबर। जिस जिसने मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ा है, क्या आप बताओ मैंने ये वाला क्वेश्चन अपनी शीट के अंदर करा रखा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल करा रखा है, और ये बंदे जो मेरे बंदे हैं ना, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, वो ये कर चुके होंगे, पक्की बात है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन जिस बंदे ने भी क्लास नहीं देखी है ना, हाथ जोड़ के विनती है क्लास देख लो जा करके, पछताओगे, वरना फिर तुमको ये लगेगा सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज कैसे कराऊंगा, डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, 6 से 6 दो बार, 2 से 2 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 चार, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 32, खत्म, आंसर आ गया। एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ, जितने क्वेश्चन अपनी शीट से आए ना, प्रूफ से, आप बंदे जिनको मैंने पढ़ाया है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ये बात कि सर आपने ये क्वेश्चन करा रखा है आपकी सीरीज में, ठीक है ना, भोकाल सीरीज के अंदर पूरे क्वेश्चन उड़ा देंगे। अभी रुको, अभी और क्वेश्चन देखो, ऐसे नहीं, सारे क्वेश्चन जितने टॉपिक मैंने पढ़ा है एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया, पूरे क्वेश्चन आए। आ जाओ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने में पी की तुलना में क्यू दुगनी गति से काम करता है, बताओ क्यू दुगनी गति से काम करता है ना। तो पी की तुलना में पी एक है तो क्यू दो है, ये एफिशिएंसी आ गई। क्या ये ऐसा क्वेश्चन करा रखा है? आप बोलोगे बिल्कुल करा रखा है। पी और क्यू मिलकर के, याद है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वर्क, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज, बिल्कुल। 15 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 3, सर आप बोलोगे 45। अब इसमें बोला पी, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 से डिवाइड करो, 45 डेज आंसर। जो भोकाल सीरीज में नहीं पढ़ा ना उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, पर जिसने भोकाल सीरीज की क्लास ली है, पक्का प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, कल प्रूफ भी लाके बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे एक एक दो दो घंटे की क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है उस वीडियो को देखने में, जाकर के देखो बब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है बच्चा, कराया है। किसी किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 4 माह बढ़ जाती है जब वह 17 और 22 वर्ष की आयु में 2 खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ी आ जाते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको एक फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला जो है वो आएगा रिप्लेस किए हुए खिलाड़ी, फॉर्मूला मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊंगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, रिप्लेस किए हुए खिलाड़ियों की आयु प्लस जितना भी अपने पास अंतर ऐड करना है अपने को, ठीक है ना, अंतर ऐड करना है, वो अंतर क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको, देखो समझना, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट ही मैं बता दूं, लो डायरेक्ट ही बता देता हूं। देखो एक बात बताओ, जितने लोग गए हैं उनकी एवरेज आयु कितनी है? आप बोलोगे सर 39 है, मतलब एवरेज नहीं टोटल आयु, ठीक है ना, आप बोलोगे 39 है। अब एक बात बताओ, क्या नए वाले जो बंदे हैं, कल समझाया था मैंने, नए वाले एवरेज की क्लास में मैं बता के आ चुका हूँ, जो नए वाले बंदे हैं उनकी वजह से ये वृद्धि होती है, तो आप इस वृद्धि को निकालो। सबसे पहले तो कितनी आई है बच्चों, बोलो जल्दी से। आप बोलोगे सर 44 महीने, बेटा ये वर्ष है, ये महीने ऐड मत कर देना, ठीक है ना, महीनों को डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 12 से 12 को डिवाइड किया अपन ने, कितना हुआ बताओ, 44 डिवाइडेड बाय 12 बताओ, 4, 4 से करेंगे 11 बार, 11 डिवाइडेड बाय 3, डायरेक्ट क्या 11 डिवाइडेड बाय 3 आया, क्या 11 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 जो है ये वर्ष है, समझना बेटा समझना, 11 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 वर्ष है, ये टोटल आ गया अपने पास, ये क्या आ गया बोलो बच्चों, ये क्या आ गया टोटल आ गया 11 डिवाइडेड बाय 3 वर्ष, और इस 11 डिवाइडेड बाय 3 वर्ष को अपने को सब में बांटना होगा, तो बस खत्म खत्म, बस इतना ही था क्वेश्चन, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है, इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना ही था। 44 महीने डिवाइडेड बाय 12 अगर करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, बस सॉल्व करो, बताओ इसका कितना आएगा, 40, इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन, कर दें पक्का,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बोलो बोलो जल्दी से बोलो यार, जल्दी बोलो, टाइम थोड़ी है इतना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 117, क्या 117 आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या 11 प्लस में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल। 128 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, आप बोलोगे सर बिल्कुल मजा आ रहा है आज तो क्लास के अंदर। बिल्कुल मजा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है। ऊपर का ऊपर से कट जाता है, ऊपर का ऊपर से कट जाता है 64 डिवाइडेड बाय 3। 64 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करोगे कितना आएगा? दो 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 सही, दो सही एक बट्टा तीन, दो सही एक बट्टा तीन, दो सही एक बट्टा तीन वर्ष का मतलब क्या होता है? 21, एक बट्टा तीन मल्टीप्लाई बाय 12, 4, 21 साल 4 माह आंसर आ जाएगा। खत्म खत्म। थोड़ा समझा दिया इसलिए ज्यादा लग रहा होगा, बाकी है इजी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम का सेम, क्या ये क्वेश्चन मैंने सेम का सेम करा रखा है? आप बोलोगे सर आपकी एवरेज सीरीज से सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। बताया था आपको 15 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे कितना आएगा? 240। फिर उसके बाद 17 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे, 16 बंदे हो गए ना, शिक्षक को शामिल करेंगे तो 16 हो गए, एवरेज अब कितना हो गया? 11। दोनों का टोटल करोगे 272, 272 और 240 का अंतर करोगे कितना आएगा? 32। 32 ही उस टीचर की उम्र होगी। खत्म। सिंपल, यही सॉल्यूशन कराया था मैंने एक पेपर में। जाकर के अभी भी देख लो, सीरीज देख लो जाकर के, हमारे दी एग्जाम हेल्पर जीके पर मैंने पूरा मैथ लगभग लगभग कंप्लीट करा रहा हूं। मैं अभी पूरा का पूरा चल रहा हूं, पर जितना आपको कराया बेस्ट कंटेंट दिया है, जाकर के देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बिना किसी देरी पे। चलो हाँ, और देखो और देखो, आप बोलोगे ना बेस्ट कंटेंट दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। ये क्वेश्चन सेम का सेम मैंने करा रखा है अपनी सीरीज के अंदर, ठीक है ना, भोकाल सीरीज के अंदर ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। मैंने बताया था आपको, जब चावल की प्राइस में 32 की वृद्धि हो जाती है, इससे खपत में कमी होगी, खर्च अपने को केवल 10% वो करना है। मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट बस इसको 100 पे एक बार प्लस करके लिख लेना, इसको एक बार प्लस करके लिख लेना, ये जो रेशो आएगा डायरेक्ट खपत का रेशो आता है। मैंने बताया था यार कितनी बार, जाकर के देख लो ना वीडियो, क्या दिक्कत है। 132 डिवाइडेड बाय 10, 11 से डिवाइड करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा 12 और 10, ठीक है ना। इसको डिवाइड करूंगा वापस 6 डिवाइडेड बाय 5। पहली वाली खपत कितनी थी? पहली वाली खपत 5.46 के बराबर थी, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे कितना आएगा? 4.5। 4.5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। खत्म। आप देखो ना बेटा कितना आसान, कितना आसान हो गया। आपको आते हैं ये वाले क्वेश्चन, जो नहीं देखेगा उसको हवा नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, मत देखो, पछता लो, कोई बात नहीं, रो लो थोड़ा। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, और जिसने सीरीज नहीं देखी है, रो लो थोड़ा, रो लो, ठीक है ना, आराम से रो लो, मैं हूं यहाँ पर। क्या ये सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं करा है? आप बोल दो यार, आप भोकाल सीरीज के जितने भी स्टूडेंट हो जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर की सीरीज में से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं सेम के सेम। किसी संख्या का एक्स जो है वो 20% है, संख्या 200, सेम का सेम क्वेश्चन करा रखा है, जाकर के सीरीज में देख लो। इसने बोला कि 200 का 7% से 25 अधिक है, ठीक है ना, तो बताओ कितना अधिक है? ये 14 हो गया प्लस 25 हो गया 39, आपका आंसर 39 आना चाहिए। अब 39 आना चाहिए कितने के बराबर? आप बोलोगे सर एक्स मल्टीप्लाई बाय 29 जो है 39 के बराबर आना चाहिए। इसको अगर मैंने काटना बताया था, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, एक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई बाय 39 इक्वल्स टू 195 डायरेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन करा रखा है, जाकर के देख लो, नहीं देखा तो प्लीज अभी जाकर के वीडियो देख लो, आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है, ठीक है ना, अच्छे से देख लो, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बताता हूं देखो कैसे। एक मेज का मूल्य जो है एक कुर्सी में, एक कुर्सी के 150 गुना है, मतलब 150% है। अगर एक कुर्सी का जो वजन, एक कुर्सी का जो रेट है वो 100 है, तो मेज का कितना है? 150 है। आप बोलोगे ठीक है सर 150 ज्यादा है, तो 250 हो गया, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5/2, ये रेशो आ गया बेटा, ठीक है ना, ये रेशो आ गया, सिंपल सीधा सा। अब एक बात बताओ, आपके पास आपको बोला गया है कि एक मेज के मूल्य में 15% की कमी करी और एक कुर्सी में 50% की वृद्धि करी। यहां पर मैंने 15% की कमी करी है, यहां पर मैंने 50% की वृद्धि करी है, क्या मैंने आपको डेविएशन लेना सिखाया था? आप बोलोगे सर बिल्कुल। आप कुछ मत करो, इसने जितना बोला है ना
एक ये एक मेज का मूल्य है ना, आपको दो मेज का मूल्य चाहिए तो दो मेज का मूल्य निकाल लो 10। ये एक कुर्सी का मूल्य है तो आपको पांच कुर्सियों का मूल्य चाहिए, आप निकाल लो 10। ठीक है ना, 15 माइनस करा प्लस 50%, खत्म। या ये एक और एक एवरेज ही तो लेना है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो 15%, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो 10%, यहां से माइनस है ये प्लस है 50%, दोनों को ऐड करो बताओ कितना आएगा। बोलोगे सर 35% आएगा। और यहां से मैं टोटल का डिवाइड करता हूँ, जो नहीं है ना भोकाल सीरीज का उसको हवा नहीं लग रही होगी, पर जो भोकाल सीरीज का है उसको मजा आ रहा होगा। सर ये आपने पहले ही पूरा सब कुछ करा रखा है, पेपर के अंदर सब करा रखा है, सब कुछ। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, पेपर सॉल्व कराना है फटाफट। एक बार नहीं, दो बार देख लेना, पांच बार देख लेना, तुम्हारी मर्जी जितनी बार देख लेना, पर कर जाना इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार ने कुछ चावल 50 प्रति केजी में खरीदे, 100 केजी 50-55 की दर से खरीदे चावलों के मिश्रण को 60 रुपए प्रति केजी। या तो देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कर लो, 50 की जो कुछ अपन ने मानी है ना उसको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि 50 में इसने कुल को एक्स में खरीद लिया। अब एक बात बताओ, अगर 50 को 50 प्रति केजी के हिसाब से एक्स क्वांटिटी खरीदी है तो इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 50x। अगर इसको खरीदा तो इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 55। ये हमारा आ गया टोटल सीपी। हम अगर एचपी निकालेंगे तो हमारे पास इसकी अपन ने एक्स क्वांटिटी खरीदी, इसकी अपन ने 100 क्वांटिटी खरीदी, तो एसपी बताओ कितना आएगा। एसपी आप बोलोगे 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओ सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 100, ये आएगा सर सीपी 60x प्लस 6000, खत्म। इन दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा है, 60x प्लस 6000 माइनस 50x प्लस 5500 इक्वल्स टू 1500 के बराबर दे रखा है, खत्म। यार इसको सॉल्व करो, बस खत्म करो, ठीक है ना। ये प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 500, 500 प्लस 10x बराबर 1500, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 1000। 1000 में अगर अपन 10x का डिवाइड करेंगे, मतलब 10x यहाँ पर आ जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे तो 100, 100 इसका आंसर आ गया, खत्म। फटाफट करा रहा हूँ तेजी से। इसका एक और बेस्ट सॉल्यूशन है, आप ऑप्शन एक एक रखिए, ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा। 100 अगर आप ऑप्शन रखेंगे तो 100 पे ये सेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन कराने के लिए बैठा हूँ, मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, आप आगे बढ़िए, आगे इसको सॉल्व करते हैं, इस सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। पहले इसको मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, चलो आगे आगे चलो आगे चलो। 114, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं मिक्सचर एप्लीकेशन कराता तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली उसी शीट से उठ कर गया है, आपको प्रूफ बता दूंगा आगे, चलो। इसने बोला कि किसी बर्तन में दूध और पानी का रेशो 5:1 है, 216 लीटर जो है वो 5 और 1 के अनुपात में है, तो टोटल कितना मिश्रण हो गया। आप बोलोगे सर 216 डिवाइडेड बाय 6 काटेंगे अपन तो कितना आएगा, बताओ कितनी बार, 36 बार चला जाएगा, 36 बार, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, आप बोलोगे सर 180 तो दूध है और 36 जो है वो पानी है। अगर पानी इसने 4 लीटर ऐड किया है तो बाद में अनुपात पूछा है, तो 180 और 36 पहले था, 4 लीटर पानी ऐड किया 40 हो गया, जब अपन इसको काटेंगे तो आपका 9:2 आंसर आ जाएगा, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन है, खत्म। ज्यादा टाइम नहीं है, पेपर को सॉल्व करना है अपने को, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पार्टनरशिप भी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोला गया है कि तीन व्यक्ति एबीसी एक व्यापार के साझेदार हैं, ए ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया, ए ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया, तो एक बात बताओ, ए बराबर अगर 1 है तो बी प्लस सी जो है वो 2 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, जबकि बी ने जो है सी प्लस ए का राशि कितनी कराई, बी ने सी प्लस ए के बराबर राशि करी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस सी बराबर 1:1 होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही। और मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है बेटा, जब आपको टोटल जो है वो यहाँ पर अलग दिख जाए और यहाँ पर अगर इसको टोटल कर दें तो 2 दिख जाए। आपको क्या बोला था, मैंने दोनों को बराबर कर लेना बोला था ना, बोला था, तो 1.5 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1.5 नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 ये हो गया, 1.5 ये हो गया। क्या बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 1.5 आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल।
और फिर आपके पास बोलोगे कि सर आप सी की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि ए की वैल्यू तो दे रखी है। अबे एक बात बताओ, ए प्लस सी की वैल्यू अगर डेढ़ आ गई, अगर एक जो है ए है तो बचाओ 0.5 जो है वो क्या सी हो जाएगा क्या। बस अब इनका काम हो गया खत्म, इनको करो साइड में और आपके पास आगे जो वैल्यू दे रखी है उसको करो रवाना। कैसे करोगे समझो, इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया था आपको, याद है करना सिखाया था ना, यहाँ से 10 निकालो, यहाँ से पॉइंट हटाओ 10 निकालो, टोटल 10 है ना तो सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ से अपन ने 110 से 10 काट दिया, यहाँ पर 15 आ गई, यहाँ से 10 से 10 काटा तो यहाँ पर 5 आ गई। जब इसको सॉल्व करोगे 2:3:1 आ जाएगा, यही हमारे पास फाइनल रेशो है। बस यही हमारे पास लाभ का वो है, यही प्रॉफिट का रेशो है, यही इसकी कैपिटल का रेशो है, बस खत्म। प्रॉफिट का रेशो कितना आया हमारे पास, 33,600 डिवाइडेड बाय इसका टोटल कितना आया, 6। 6 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना मल्टीप्लाई, कितना बोला बी का, बोला है ना बी का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बी का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बताओ। इसको सॉल्व करो पहले कितना आएगा, 5, 30, 30 के बाद 3, 36, 9, ये आ गया 59,600, ये हमारे पास आंसर। गलत आ रहा है क्या, एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 6 आएगा बेटा, हाँ ये 6 आएगा, ठीक है ना, 5600 आएगा, 5600 को मल्टीप्लाई करोगे 1600 आंसर आ जाएगा, खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना सॉल्व नहीं कराएगा कोई भी, मैंने तो फिर भी करा दिया। चलो आगे बढ़ो, 16वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 16वां क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है डायरेक्ट, ठीक है ना। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 9% है, 88.5 जो है इसकी दर अगर कर दी जाए तो कितना अंतर हुआ, 0.5 दर में अंतर किया है, तो जमा राशि को वास्तव में 624 कम प्राप्त होगी। 624 की वैल्यू कितने के बराबर, 0.5 के बराबर, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आएगा बताओ फटाफट, कितना आएगा, इसको ममल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आएगा 1,34,000, 1,24,800 डायरेक्ट, खत्म। कोई भी ज्यादा इतना नहीं करे सर, बहुत तेज हो रहा है, तेज ही होगा, मॉक है, मॉक में तो तेज होगा, कोई स्पीड थोड़ी स्लो होती है मॉक के अंदर, जिसको नहीं आता ना डायरेक्ट जाकर के वीडियो देखो, सब करा रखा है, ठीक है ना। चलो फटाफट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे। एक विशेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। एक बात बताओ, ये एक साल का ब्याज है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 जो है ब्याज हो गया, 100% तो खुद राशि होती है, 65 ब्याज हो गया तो 165 के बराबर क्या धनराशि हो गई क्या। बस धनराशि 33,000 के दे रखी है, 33,000 को डिवाइड कर दो 165 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 20,000, काम खत्म। इतना टाइम नहीं है, मैं तो अब उड़ाऊंगा, ठीक है ना, उड़ाऊंगा, ठीक है, थ्योरी के लिए, थ्योरी की क्लास है, जाकर के देखो, समझ में नहीं आया इस वीडियो को 2 बार देख लो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको समझाऊंगा 2 मिनट का, ठीक है ना। कोई धनराशि 15% वार्षिक से 2 वर्ष में 29,282 हो जाती है, जबकि ब्याज जो है 8 महीने पश्चात संयोजित होता है, उसी राशि में उतने ही ब्याज दर पे, उतने ही समय पे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब वार्षिक संयोजित की जाए। अब बात को समझना बेटा, मैं ये बात समझाता हूं आपको। जब देखो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो आप जब भी ये 8 महीने की दर हो ना, 8 महीने बाद संयोजित कर रहा है, तो आप क्या करो, दर को तो और समय को तो 12/8 से मल्टीप्लाई कर दो, और दर को आप 12.15 मल्टीप्लाई बाय 8/12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझना ये कैसे है, क्या है, अभी नहीं समझाऊंगा, वो थ्योरी के क्लास में, ठीक है ना, बस आपको मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके, प्रैक्टिस का सेशन है ये, ठीक है ना। तो आपके पास जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 3 वर्ष, अब ये समय कट जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। यहां पर मैंने जो सॉल्व किया था, यहां पर इसकी रेट आ जाएगी 10%, अब इसकी जगह रेट आ जाएगी 10%। अब एक बात बताओ बच्चा, ये क्वेश्चन अब मेरे पास क्या आ गया, 10% और वर्ष कितने आ गए, इतना। अब क्या आपको एक चीज पता है क्या, कि 10% की अगर इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना सर, तो इफेक्टिव रेट कितनी बनती है 3 साल में, 33.1%, ये इफेक्टिव रेट है। आप बोलोगे इफेक्टिव रेट, भाई देखो मेरा काम यहाँ पर मॉक करवाना, प्रैक्टिस करवाना है। इफेक्टिव रेट इसका मतलब सर, 100% तो दर है और
इतना आपको चक्रवर्ती ब्याज मिला है, तो आपकी जो नई वाली जो वो है ना धनराशि, वो इतने के बराबर है। तो 29282 जो है वो 33.1 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व किया आपने, भाई ये सॉल्व कर लो, लो 33 से मल्टीप्लाई कर दो, दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, दो बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 26 62, 26 62 होगा। सॉल्व करो 6, और यहाँ पर 12 से डिवाइड किया 6, 8 से डिवाइड किया 2, 266, 266 2 वापस डिवाइड करोगे तो 22 बार जाएगा, यह हमारे पास 22,000 आ गया। 22,000 आपके पास क्या आया बच्चों, जल्दी से बताओ, मूलधन आया। 22,000 आपके पास क्या आया, मूलधन आया। और इस मूलधन को अपने को सॉल्व करना है। अब क्या बोला है कि वार्षिक संयोजित, अब तो कुछ करना ही नहीं है, जब वार्षिक संयोजित है तो जो डेटा दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, ठीक है ना। जो डेटा दे रखा है उससे सॉल्व कर लो। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, एक बार 15% निकालो कितना आएगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, इसको 15 से, अरे यार तुम कतई क्या हो, 22 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 15 दूना 30, 0 का हासिल का 3, 15 दूना 30 3300 आ जाएगा। 3300 एक बार, 3300 दूसरी बार। अब इस 3300 के ऊपर भी 15% आपको ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होगा, 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 450, 15 495 होगा आई थिंक, है ना, 495। तो 6600 प्लस 495 7095 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। खत्म, पूरा का पूरा बेसिक करा करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही, मैं तो बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। जिसको नहीं पता थ्योरी की क्लास देखो जा करके। 19वां को 119वां क्वेश्चन हमारा मैथ्स का 19वां क्वेश्चन देखो। 108 मीटर और 112 की दो लंबी रेलगाड़ियां समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं, वो 46 किलोमीटर और 53 किलोमीटर की चालों से एक दूसरे की साइड चल रही है। अगर एक दूसरे की साइड चल रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, जो पार करनी पड़ेगी, इसका मतलब दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, 220। दूरी में अगर अपन स्पीड का डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा, तो स्पीड कितनी है, 46 प्लस 53 कितना आ जाएगा, 99। पर ये किलोमीटर के अंदर है और ये मीटर के अंदर है, तो आपको इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18। बिल्कुल सर, 5/18, आप तो सर छा गए, छा गए। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार, दो बार, 9 से काट रहा हूं, ठीक है ना, 11 बार। 11 से अगर अपन इसको सॉल्व किया 20 बार, 20 से 4 बार, 4 मल्टीप्लाई बाय तो 8 आंसर, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन है। बस उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर थ्योरी क्लास नहीं चल रही है, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 120, 120 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक नाविक एक नाव को धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी पे 4 घंटे खींचता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, धारा के साथ चल रहा होता है तो क्या स्पीड ए प्लस बी हो जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल, 18 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा कितना आएगा, 4.5। आप बोलोगे सर ठीक है, ए प्लस बी का मान आ गया 4.5। ए जो है, ए मान लिया मैंने नाव की स्पीड और धारा की स्पीड मान ली मैंने बी, ठीक है। अब समझना, ए माइनस बी जो है वो अपन ने क्या किया, अब ये धारा के विपरीत बोल रहा है तो अपन ए माइनस बी बोल देंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 घंटे, एक मिनट, अच्छा सेम दूरी 12 घंटे के अंदर जाता है, तो 18 किलोमीटर 12 घंटे के अंदर जाएगा, तो बताओ समय कितना लगेगा, जल्दी से बोलो, स्पीड कितनी, स्पीड कितनी बताओ, 1.5। बस आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो, इन दोनों को ऐड करोगे 2a, इन दोनों को ऐड करोगे 6 डिवाइडेड बाय a, a बराबर 3 आ गया। अगर a 3 है तो यहाँ पर रख दो 3, प्लस अगर 1.5 करेंगे तब जाकर के 4.5 आएगा। इसका मतलब धारा पूछा है तो धारा का आंसर 1.5 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खत्म खत्म, आपका सेट भी खत्म। कितना जल्दी मैंने क्वेश्चंस को करा दिया, सोचो आप। तो इसलिए ये मॉक है, देखो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने एग्जाम ओरिएंटेड आपको कम समझ में आया होगा तो उससे कोई परेशानी नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है, समझने का काम तो थ्योरी के अंदर होता है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रैक्टिस है कैसे एग्जाम ओरिएंटेड कैसा पेपर आता है। अब आपका क्या डाउट क्लियर हुआ, जैसे मैंने बोला था ना, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा,
जितना मैंने टॉपिक कराया उससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं है। जो बंदे बोकाल सीरीज देख रहे हैं उनसे जाकर के पूछना, बोकाल सीरीज वालों कमेंट में डाल देना कि सर ने जितना कराया है उतना पूरा का पूरा आया है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक केयर, बाय बाय।